अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज़ हादिया आतिफ खिलजी एंड माय रेस्टोरेंट नेम इज़ चिक्ज़ाटो टेक यू टू द हेवन एंड आई एम हेयर टू डिफाइन माय प्रोडक्ट. माय प्रोडक्ट इज़ अबाउट पिज्ज़ाज, बर्गर, केक्स एंड मैनी मोर. माय रेस्टोरेंट स्पेशल सॉस इज़ मस्टर्ड गार्लिक सॉस. इट इन्हेंस द फ्लेवर ऑफ एवरी फूड यू विल हैव. I am offering my product to those who can't afford enough prices. As I saw one day, some kids were crying for food and a kind lady helped them with some food. After a few days, I saw the same lady who was fainted due to heat stroke. Kids helped her with some water. That day, I deeply realized what you give is what returned. So I decided prices should be low as anyone can easily afford. Prices are starting from 350 so on. I am also offering my product to those working women who have no time to make lunches for their children. I can digitalize my product through Facebook, Instagram, YouTube and many more platforms. I am also offering unlimited time in gaming zone and high tea in my restaurant. We are also making customized boxes as well. As our restaurant is launching soon, we are looking for sponsors. I want to be an independent girl and travel the world by my own. And I want youngers to get inspired by me. Our mission is meals should be enough that anyone can fulfill their needs. Jazakallah. So are you selling these products online? No. Then? मतलब कहाँ से रेस्टोरेंट आपका कहाँ पर है? सर अभी लॉन्च करेंगे. प्लानिंग तो होगी ना कोई ना कोई? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि रेस्टोरेंट की भी एक कॉस्ट होती है. जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा ना कि आप कम से कम सस्ते सस्ता प्रोडक्ट अपना बेचना चाहती हो, तो जब रेस्टोरेंट की आप एक जगह लोगी तो वो रेंट पे होगी जगह, उसकी कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट आपको इसी प्रोडक्ट से निकालनी पड़ेगी. तो ये 350 का तो नहीं होगा, महंगा हो जाएगा? नहीं सर, वो फिर बाबा खुद ही वो करेंगे तो फिर वैसा. अच्छा, रेंट वो बेसिकली बेयर करेंगे और आपसे प्रॉफिट कमाओगे. अच्छा, ये खाने कितने तरह के हैं? इसमें कैटेगरीज कितनी हैं आपकी? 3 कैटेगरीज. टोटल 3 डिशेज हैं आपकी? 3 डिशेज में आगे भी वेरिएंट्स हैं? सपोज बर्गर में सिर्फ बर्गर है या बर्गर में बीफ बर्गर भी है, चिकन बर्गर भी है? सर बहुत सारी होती हैं. बहुत सारी हैं तो बहुत सारी आप अकेली कैसे करोगी? सर वो चच्ची भी हैं, मम्मा भी हैं, मैं भी हूँ. अच्छा, तो आप सब मिलके करोगे? बाहर से कोई स्टाफ हायर करोगे आप लोग या फिलहाल अभी खुद से स्टार्ट करोगे इसको? अभी तो खुद से. और इसमें प्रॉफिट में आपने कुछ कॉस्टिंग की है कि कितने रुपए का आपको पड़ रहा है और कितने रुपए बच रहे हैं एक प्रोडक्ट में? मुझे आवाज़ नहीं. जिस तरह अभी कोई आप सपोज एक बर्गर बेचती हो ना, तो उस बर्गर की जो बर्गर बेच रहा होता है वो कॉस्टिंग करता है कि वो बर्गर उसको इतने रुपए का पड़ा है, उसकी बनाने की कॉस्ट उसको इतने रुपए की आ रही है, सपोज 100 रुपीज़ की, तो 100 का तो नहीं बेचेगा वो, उसको बढ़ा के बेचता है. तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स पे वर्किंग की है कि सपोज़ ये कॉर्नर वाला आपको कितने रुपये का पड़ा है? सर ऐसे वर्किंग तो सर देखें, ऑनेस्टी भी एक चीज़ होती है, तो बस अगर जैसे एक चीज़ 100 रुपीज़ की है और मैं उसको 100 रुपीज़ में ख़रीदती हूँ, तो मैं उसको 100 की ही वो करूँगी. आप 100 की बेच दोगी उसको, तो कमाओगी क्या आप? सर देखिए ना, नहीं ऑनेस्टी एक चीज़ होती है लेकिन प्रॉफिट कमाना हक होता है. सर वो तो फिर टीचर, वो तो फिर बाबा हैंडल करेंगे ना कि कैसे लेना है. अच्छा, कॉस्टिंग वो करेंगे. अच्छा, ये आप कह रही हैं कि ये हेल्दी होगा बाकी जंक फूड से, कैसे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कैसे एवेल्यूएट की हैं? जो हेल्दी होगा, नहीं टीचर वो तो बाबा हैंडल करेंगे, वो मामा करेंगी, तो आप सिर्फ पकाएंगी? यस टीचर. अच्छा सही, ठीक है. अच्छा,
हादिया मुझे बताया, आपने बताया आपकी स्पेशलिटी जो है वो मस्टर्ड सॉस है, राइट? अब आपके पास अगर कोई ऐसा कस्टमर आ रहा है जिसको मस्टर्ड सॉस पसंद ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे उसके साथ? ऑल्टरनेट क्या होगा? वो तो आपकी स्पेशलिटी थी, फिर उसके साथ और सॉसेज होंगी। अगर उसको मस्टर्ड गार्लिक सॉस नहीं समझ में आई तो हम उसको और देते। तो आप मतलब कस्टमर्स को भी प्रेफर करोगी कि उनको क्या पसंद है, तो आप उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें बनाओगी? उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कुकिंग आपने सीखी हुई है या मम्मा के साथ सीख लेती हो? अम्मा के साथ, क्योंकि वो अम्मा किचन से मुझे भगा देती हैं। किचन से भगा देती हैं और फिर भी आपको बिजनेस करना है।